दूसरे T20 मैच में भारत ने धमाल मचा दिया। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे चारों खाने चित किया कि वो देखता रह गया और हार्दिक पांड्या का तो ऐसा तूफान आया कि ऑस्ट्रेलिया उड़ता हुआ नजर आया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब टीम इंडिया को 9 गेंदों पर 23 रन की जरूरत थी तब हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को मैच जिता देंगे। चौके और छक्कों की तो ऐसी बरसात की हार्दिक पांड्या ने कि डगआउट पर बैठे विराट कोहली भी अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। पूरे स्टेडियम में हार्दिक पांड्या गूंज उठा। एक समय तो ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी जीत मान चुकी थी, उसे भी लगने लगा था कि आखिरी ओवर में टीम इंडिया 14 रन नहीं बना पाएगी, लेकिन क्रीज पर थे हार्दिक पांड्या। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 2 रन लिए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 5 गेंदों पर 12 रन। फिर दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भी नहीं था कि पांड्या छक्का लगा देंगे। अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 4 गेंदों में 6 रन। अगली गेंद हार्दिक पांड्या मिस कर गए। अब टीम इंडिया को 3 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन। चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया को जीत दिला दी। टीम इंडिया के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और टीम इंडिया ये मैच 6 विकेट से जीत गई। हार्दिक पांड्या की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन अब टीम इंडिया चाहेगी ऑस्ट्रेलिया टीम का 3-0 से सफाया करना। देखना होगा कि आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है। आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।